नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के ईसीएल मुगमा एरिया के कापासार आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन एवं कोयले की अवैध तस्करी, आसपास के ग्रामीण एवं ईसीएल सिक्योरिटी तथा सीआईएसएफ के बीच नोकझोंक हो गई और देखते ही देखते ग्रामीणों का जमावड़ा लग गया। हालात को बिगड़ता देख ईसीएल सिक्योरिटी एवं सीआईएसएफ ने तुरंत इसकी सूचना गल्फरबाड़ी ओपी को दी। सूचना मिलते ही गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी बीएन सिंह अपने दलबल सहित कापासार आउटसोर्सिंग पहुंचे और वहां पर मौजूद ग्रामीणों को संचा बुझाकर वहां से हटाया। मौके पर मौजूद गल्फरबाड़ी यूपी प्रभारी ने बताया कि आसपास के ग्रामीण यहां आउटसोर्सिंग में अवैध उत्खनन एवं कोयला उठाव के लिए इकट्ठा होते हैं, लेकिन हमारी पेट्रोलिंग गाड़ी को देखते ही भाग खड़े होते हैं। आज भी इसी क्रम में ग्रामीण यहां इकट्ठा हुए थे और यहीं पर ईसीएल सिक्योरिटी एवं सीआईएसएफ के साथ उनकी नोकझोंक होने लगी। धनबाद जिला ब्यूरो मलय गोप की रिपोर्ट। चार बार आते रहती है, लेकिन कभी उधर भी रजपुरा है, वहाँ भी जाना पड़ता है। उस क्रम में लोग ये लोग पेट्रोलिंग पार्टी की गाड़ी को वाच करते रहता है कि जब मेरी गाड़ी उधर चली जाती है तो इधर इधर लोग खदान में घुस जाता है अवैध कोयला चोरी करने के लिए, और इसमें अधिकतर बच्चा और लेडीज को लोग आगे भेज देता है खदान में। जेंट्स में 100 को अगर लेडीज हैं तो उसमें 10-20 जेंट्स यार में इस तरह का करता है। लेडीज को हम लोग थोड़ा सा बाध्यता है उसको लेकर के, हम लोग लेडीज से उतना फिर नहीं उलझ पाते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग को समझाते हैं तो मेरा थाना का गाड़ी आता है तो देख करके वो लोग भाग जाता है, पकड़ा नहीं पाता है लोग। सर, सैकड़ों की संख्या पहुंचे मजदूरों ईसीएल सीआईएसएफ के साथ भी उलझ गए, किसी की गिरफ्तारी हुई क्या आपके आने के बाद? नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है। आया तो इन लोग से थोड़ा कहा, वो लोग बोला कि से नहीं हमको 2 घंटा चाहिए, जो वो लोग बताया हमको, हम आए तब तक तो सब लोग भागने लगा। वही लोग बताए कि बोल रहा है कि हमको कुछ समय के लिए चाहिए, पता नहीं है कि वो लोग को 2 घंटा चाहिए, घंटा आधा घंटा कोयला निकालने के लिए समय दिया जाएगा। ये सरकारी चीज़ है, जैसे सरकार का रेवेन्यू है तो इसको थोड़ी वो लोग को दिया जाएगा इस तरह से। तो उसी में धरपकड़ के दौरान में अभी तक किसी का कुछ गिरफ्तारी नहीं हुआ है, फिर भी उन लोग को बोले हैं कि अगर उस तरह का किसी पर शक शुबा है कि हाँ फलना आदमी नेतृत्व कर रहा है, वही इसे करवाता है, तो उसका नाम दीजिए, लिख करके दीजिए, हम केस करेंगे, खाएंगे, जेल भेजेंगे। ठीक है।